Hi student, welcome to RCI Ajuhab online classes. Let's start biology class, chapter 24, blood circulatory system. और टॉपिक है टाइप्स ऑफ WBC. और इसमें सेकंड पॉइंट है अपना नॉन ग्रेन्यूलोसाइट. कणिका रहित WBC, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में सूक्ष्म कण जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं. इनका जो केंद्रक होता है वो नियमित आकार का होता है. इनकी आकृति सेम के बीज के समान होती है. सेम का जो बीज होता है उसके समान होती है. इसका निर्माण अस्थिमज्जा इसके साथ लसिका ग्रंथियों, अस्थिमज्जा, लसिका ग्रंथियों और इसी के साथ प्लीहा इसमें होता है. ये तीन प्रकार की दो प्रकार की होती है. मोनोसाइट और सेकंड जो है वो होता है लसिकाणु या फिर लिम्फोसाइट. सबसे फर्स्ट जो है वो मोनोसाइट. देखेंगे यहां से मोनोसाइट को. मोनोसाइट एक केंद्रकण भी इसको कहा जाता है. मोनोसाइट जो होती है ये सबसे बड़ी WBC है. सबसे बड़ी WBC यानी कि जितने भी WBC पाई जाती है, कितने भी प्रकार की पाई जाती है, उनमें से सबसे बड़ा जो आकार होता है वो मोनोसाइट का होता है. और इसका आकार जो है वो 12 से 15 μm. आकार 12 से 15 μm का होता है. यह है WBC का 5% भाग बनाती है. यानी कि कुल जो WBC है उसका 5% भाग मोनोसाइट होती है. इसका कार्य यानी कि भक्षणकारी होती है. ये रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है. इसके अंदर कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है. कोशिका पारण की क्षमता इसमें पाई जाती है जो कि रुधिर से झिल्ली जो होती है उस झिल्ली को पार करके उत्तकों के बीच में आ जाती है. उत्तकों के मध्य में आकर ये मोनोसाइट जो होती है इसका आकार वो बढ़ जाता है और वृद्ध आकार की हो जाती है. इसका आकार उत्तकों के बीच में आने के बाद बढ़ जाता है और बढ़ने से वे किस प्रकार की हो जाती है? वृद्ध प्रकार की. इसलिए इनको बोलते हैं वृद्ध भक्षाणु. इसके नाम से इसको जाना जाता है. पूछा जा सकता है वृद्ध भक्षाणु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोशिका पालन की क्षमता पाई जाती है जो कि रुधिर झिल्ली से ये बाहर आकर उत्तकों के बीच में उपस्थित होती है और वहां पर अपने आकार में वृद्धि कर लेती है. इस वजह से इसको वृद्ध भक्षाणु के नाम से जाना जाता है. इसे अपमार्जक भी कहा जाता है. इसको अपमार्जक कहा जाता है. क्यों? क्योंकि यह बड़े कणों व जीवाणुओं को शरीर में बड़े जो कण पाए जाते हैं
जो कि हानिकारक होते हैं, और इसी के साथ में जीवाणु रोगाणु फैलाने वाले जो कारक होते हैं उनको नष्ट कर साफ करने का कार्य करती है। इस वजह से इसको अपमार्जक कहा जाता है। ये न्यूट्रोफिल जो होती है ये शरीर के अंदर अनोखा जो शरीर पाया जाता है उसमें प्रथम पंक्ति की प्रतिरक्षा बनाने का कार्य करती है। मोनोसाइट जो होती है ये शरीर के अंदर न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर यानी कि दोनों मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जो होती हैं, ये दोनों मिलकर प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। यानी कि जो रोगाणु जो होते हैं उस संक्रमण के विरुद्ध प्रथम पंक्ति की प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। यानी कि सबसे पहले रोगाणु जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसमें सबसे पहले उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। या सबसे पहले उनको फेस करने का जो कार्य होता है वो मोनोसाइट का होता है। सेकंड जो है वो लिम्फोसाइट। दूसरा पार्ट जो है कणिका रहित WBC का वो लिम्फोसाइट होता है। इनका आकार जो है वो गोलाकार, या अंडाकार होता है। इसके अंदर केंद्रक जो है इनका केंद्रक इनके अंदर उपस्थित होता है। कुल जो WBC होती है लिम्फोसाइट कुल WBC का जितने भी WBC पाई जाती है उसका 20 से 30 प्रतिशत भाग बनाती है। 20 से 30 प्रतिशत भाग जो होता है वो लिम्फोसाइट का होता है। इसका कार्य जो है वो एंटीबॉडी निर्माण का होता है, प्रतिरक्षा का निर्माण करने का होता है। लिम्फोसाइट जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले जो है वो बी लिम्फोसाइट और सेकंड जो है वो टी लिम्फोसाइट। यहां से फर्स्ट बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होती है इनका आकार गोलाकार, ये गोल आकार की होती है। इसकी उत्पत्ति जो होती है या इनका जो निर्माण होता है और निर्माण के साथ ही इनका परिपक्वन दोनों उत्पत्ति और परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है। दोनों का जो उत्पत्ति और परिपक्वन जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 3 से 7 दिन का होता है, जीवन काल 3 से 7 दिन। और कार्य जो होता है इसका वो सेम है, एंटी बॉडी या फिर प्रतिरक्षा का निर्माण करना। सेकंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होती है इनकी उत्पत्ति और परिपक्वन जो होता है वो अलग अलग होता है। लिम्फोसाइट की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में और इनका जो परिपक्वन होता है वो अस्थि मज्जा में ना होकर
थाइमस ग्रंथि में होता है, वो कार्य जो होता है इसका वो भी प्रतिरक्षा का होता है। इनका जीवन काल कई वर्षों का होता है, यानी कि WBC के अंदर सर्वाधिक जो जीवन काल है वो लिम्फोसाइट का होता है। तो इस प्रकार से नॉन ग्रेन्युलोसाइट जो है वो कंप्लीट होती है, इसके दो पार्ट, लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट। धन्यवाद।